उसका सौंदर्य है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो जो भी पैदा होगा पुरुष तो हो गए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और आज इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो मन में एक उमंग है, उत्साह है, और उसके बाद वह साधना मुझे कहीं मिली भी नहीं, और मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में वेद व्यास ने जो लिखा उस धारा के बारे में या राधा के बारे में या कृष्ण के बारे में कितना काले होते हुए भी अपने आप में इतना सम्मोहित कि सैकड़ों गोपिकाओं को एकदम प्रेम में बना दिया, प्रेम सिखा दिया उसको, अपने समान बना दिया, अपने जैसा अनुरक्ति बना दिया, उस कुरूप वृषभानु की लड़की को एकदम सौंदर्यमयी बना दिया, और कृष्ण ने अपने सदृश बनाया उसको नहीं, द्रौपदी को बनाया, जितने उनके जीवन में जितनी स्त्रियां आई, रुक्मिणी चाहे सत्यभामा जो भी आई, उनको वैसे कुब्जा आई मथुरा में, कुब्जा को अत्यंत सौंदर्य जो कुबड़ निकली हुई थी सौंदर्यमयी बनाया, क्योंकि वह साधना उन्होंने शांति पर सिद्ध कर रखी थी। जब तक मनुष्य के जीवन में यह सौंदर्य नहीं आ पाएगा तब तक मनुष्य का जीवन एक आदमी बन ही नहीं सकता। मैं आपको कितना समझाऊं, अणु क्या मैं आपके शरीर को पूरा बदल भी दूं, अंदर के हिलोर पैदा नहीं कर पाऊंगा, अंदर मस्ती नहीं ला पाऊंगा, एक बांसुरी बजे सैकड़ों लोग आ जाएं वह चीज नहीं आ पाएगी, आप बोल रहे लोग थके से देखते रह जाएं वो चीज नहीं आ पाएगी, वो नहीं आ पाएगी तो आपकी खींच पैदा होगी, एक अतृप्ति पैदा होगी, एक तृष्णा पैदा होगी कि क्या है, क्यों मैं धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा हूं, क्यों मेरे चेहरे झुर्रियां पड़ती जा रही है, क्यों मेरी आंखों में ज्योति कम होती जा रही है, क्यों मैं क्या हो रहा हूं, क्या था क्या हो रहा हूं, आप कुछ थे भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, आपको बुरा लगा होगा लगेगा कि मैं आपको जवान नहीं मानता, जवानी आपकी जिंदगी में आई नहीं, देखा नहीं जवानी, जवानी एक दूसरी चीज होती है जो जिसने एहसास किया उसने किया है, और कोई नारी ने सौंदर्य देखा नहीं अभी, पास में निकल जाए सुगंध नहीं आए फिर नारी हुई भी क्या, और वहां सूर्य किरणें निकल करके सामने वाले को पिघला नहीं तो पुरुष भी क्या हुआ, और ऐसा नहीं हुआ फिर जन्म लेने से फायदा भी क्या हुआ, यदि कायाकल्प नहीं कर सके तो फिर गुरु भी क्या हुआ, गुरु शिष्य को कहेगा भी क्या, कल आप मर जाओगे दो चार दिन हफ्ते साल दो साल पांच साल बाद, और हम रोक के रह जाएंगे, फिर तुम्हें इतना ज्ञान दे चेतना दी सब हुआ क्या मेरा, मतलब मैं अपने आप में सोचूंगा कि मैं क्यों नहीं पूर्णता दे पाया, आज बैठा बैठा ये चिंतन कर रहा था जब ये दीक्षा भजन हो रहा था, ये चीज मुझे देनी चाहिए क्योंकि होली के दिन है, ये दिन मेरे पास भी थे, मैं ताकत तो थी जूझने की हिम्मत भी थी, मगर एक चेहरे पर आकर्षण एक जूझारूपन तो था, दृढ़ता तो थी, मगर वशीकरण नहीं था, सम्मोहन नहीं था, अखड़पन था, अखड़ता से जीवन नहीं चलता, और दुर्बलता से भी जीवन नहीं चलता, बीगी बीली बनकर भी जीवन नहीं चल पाएगा, आप बन पाएंगे तो आप अपनी पत्नी को भी बहुत सौंदर्यमयी बना सकेंगे, आप हो पाएंगे पूरे परिवार को सौंदर्यमयी बना सकेंगे, अगर आपके पास कुछ होगा तो वह होगा केवल अप्सरा साधना के माध्यम से, और अप्सरा साधना केवल इन दिनों में सिद्ध की जा सकती है, बाकी दिनों में सिद्ध की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई दिन अच्छा बुरा नहीं होता, मगर गुलाल इन दिनों में उड़ाई जा सकती है, दिए दीपावली दिन ही जलाए जा सकते हैं, रोना शमशान नहीं हो सकता है, आप घर में बैठ बैठ जोर जोर से रोने लग जाए लोग पागल काट ले रो रहा है, उनका एक दिन मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे तो अभी क्यों रो रहा है, जब मरेगा तब रोना, अब शमशान तुम नहीं रो लोग सर आदमी यहाँ रोना चाहिए, तुम हंस रहे हो, हर परिस्थिति और हर समय हर स्थान अपने स्थान पर अपने आप में महत्व रखता है, इसे फाल्गुन का महीना अपने आप में इस प्रकार की साधनाओं के लिए अद्वितीय है, जहां पर एक हिलोर आती है, एक वसंत की ऋतु की प्रारंभ होता है, जहां कामदेव का शुरुआत होती है, वसंत का मतलब कामदेव, वसंत का मतलब रति, सौंदर्य की साकार प्रतिमाएं तो रति है, इसे राधा को रति कहा गया, कृष्ण को कामदेव कहा गया, इसलिए कहा गया कि वह सौंदर्य था, उस सौंदर्य को मैंने एहसास किया भोगा देखा, और उसके बाद में एक अप्सरा नहीं थी तो चार छः आठ दस, आज भी मैं जब ऑफिस में बैठा होता हूँ घंटा दो घंटा दरवाजे बंद कर बैठ जाता हूँ तो पत्नी कहती है कि हो गई बातचीत पूरी कंप्लीट, सही हो गए, अब भोजन कर लो, भाई मैं तो बैठा लिख रहा था, हाँ लिख रहे थे मुझे मालूम, आज भी वो और मारी होगी वह पसंद करेगी नहीं, वह असंभव होगा नहीं, मैंने कहा भाई दरवाजा बंद करके कौन समय कोई बहुत गड़बड़ कर रहा था, कोई गलत तो कर नहीं रहा था, अब करूंगा भी क्या, जब टाइम था तो किया नहीं, अब क्या कर पाऊंगा, गा नहीं दो घंटे और आप बैठ जाइए अंदर थोड़ी, आगे मुझे मालूम है सब कुछ, और मैं कहता हूं कि ऐसा सिद्ध किया है,
और मैं इस बात में एक तृप्ति महसूस करता हूं। इसलिए नहीं, जो जीवन की आवश्यकता होती है वो अपने आप प्रदान करती ही है, क्योंकि वो अप्सरा एक योनि है, एक स्थिति है जो सब कुछ प्रदान ही करती है, लेती कुछ नहीं है। व्यक्ति को यौवन देती है, उसको ताकत देती है, पुरुषार्थ देती है, पौरुष देती है, प्रबलता देती है, चेतना देती है, एक वृत्तता को दूर उठा करके क्षमता देती है। वो नारी दे सकती है, मगर वो नारी हो, वो सौंदर्यवान बने, वो सौंदर्य युक्त हो, तब ऐसा हो पाएगा। अगर वो सौंदर्य आप देख सकें, यदि वो यौवन का वेग देख सकें, तो आप वृद्ध नहीं है, आपका मन वृद्ध हो गया है, आप शरीर वृद्ध नहीं हो सकता। ये कायाकल्प में परिवर्तित हो सकता है। इतने कुरूप स्त्री को भी सुंदर बनाया जा सकता है, इतने कुरूप कृष्ण को भी सौंदर्यमय बनाया जा सकता है। कृष्ण अपने आप में जन्म से बहुत सौंदर्यवान नहीं थे, अद्वितीय नहीं थे, एक महापुरुष थे। महापुरुष जन्म से कोई महापुरुष नहीं होता, बंदी खाने में जेल खाने में पैदा होने वाला महापुरुष नहीं बन सकता। वह तो उनके कार्यों के माध्यम से उस सांदीपन के आश्रम में आकर के सीखने के बाद में कृष्ण अपने आप में अद्वितीय पुरुष बने। मैं अगर ग्रस्त होता तो एक लेक्चरर होता, हेड द डिपार्टमेंट हो जाता, अब रिटायर्ड हो जाता आराम से, 92 में रिटायर्ड हो जाता, और पेंशन मिल जाती, घर में बैठा रहता, पत्नी बच्चों को पालता, मगर वो जीवन का कोई सहार ही नहीं रहता। एक साधना शब्द की, दूसरी की, तीसरी की, 108 अप्सराएं सब देखेंगे एक बार कि क्या है उसमें। और मैंने इस बात का एहसास किया कि वृद्धता मिटा जीवन का एक आनंद, एक मस्ती, एक खुमारी अगर प्राप्त करनी है तो प्रत्येक शिष्य को, प्रत्येक गुरु को उस साधना को करना ही चाहिए, अगर उसको ज्ञान हो या उसके पास कोई गुरु हो। और गुरु को ज्ञान नहीं तो शिष्य को दे भी क्या सकेगा, आपको आनंद कहां दे पाएगा, क्या एलोर दे पाएगा। और उस अवसर को चूक भी गए, अगर मैं गंदर पहाड़ पर चूक जाता तो मैं योगी तो बना रहता, सन्यासी तो होता, मगर नीरस सन्यासी होता, ऊबड़ खाबड़ सन्यासी होता, क्रोध में सन्यासी होता, गुस्से वाला सन्यासी होता, क्योंकि मन में एक तृप्ति आती नहीं, पूर्ण तो नहीं आ पाती, और अपने धर्म से मैं चुप नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं परस्त्री गमन करूं, ऐसा नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं होता था, फिर मन में एक वितृष्णा पैदा हो जाती, उस वितृष्णा को मेरे कृष्ण कभी भी क्रोध में बने ही नहीं। उनका चेहरा बहुत शांतिमय होते हुए भी महाभारत युद्ध को जीत लिया, द्वारका के राजा बने, अतुलनीय धनवान बने, एक बिल्कुल एक धोती लेकर के मथुरा से निकले और अरबपति बने, द्वारका के राजा भीष्म बन गए, पूरे महाभारत युद्ध को जीत करके दिखा दिया, क्योंकि उनके अंदर वह उद्दाम वेग था, यौवन था, वो साहस थी, क्षमता थी। उन्होंने कहा कि सब युद्ध करेंगे, मैं बिना शस्त्र के युद्ध करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे महाभारत में, और जीत के दिखा दूंगा। केवल 5 लोगों के बीच में रह करके पूरे हजारों कौरवों को समाप्त करके जीत के दिखा दिया। और तुम्हें इस संसार में जीतना है, समय बीता नहीं है, जीतना है। बहुत अच्छा संगीतज्ञ बन करके, बहुत अच्छा यौवनवान बन करके, बहुत अच्छा प्रफुल्लित बन करके, बहुत अच्छा पौरुषवान बन करके, और पूरे कायाकल्प करते हुए, और वह हो पाएगा जब आपके अंदर पूर्ण स्वरूप, पूर्ण आनंद और पूर्ण सौंदर्य समाहित हो पाएगा, और समाहित हो पाएगा केवल अप्सरा साधना के माध्यम से। और कोई रास्ता है ही नहीं, और कोई ऐसा पानी का घूंट नहीं है, और कोई ऐसी विद्या नहीं है, और कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई कायाकल्प के पहले भी इसी साधना को सिद्ध करनी पड़ेगी कि मेरे आंख में कहीं कोई न्यूनता ही नहीं। और पूरा जीवन एक, आज भी मैं गुनगुना रहा हूं तो मस्ती के साथ गुनगुनाता हूं ना, स्नान करता हूं तो मस्ती के साथ, तैरता हूं तो मस्ती के साथ, मैं काम करता हूं तो हर क्षण मेरे सामने सौंदर्य पुंज बना रहता है। जब भी मैं इच्छा करता हूं वह चीज मुझे प्राप्त होती ही है, ऐसी कोई संसार की चीज है ही नहीं जो मुझे नहीं मिले। और उसका बेस वही गुरु है, उनकी दी हुई वह साधना है, वह दीक्षा है, वह जिसको मैंने सिद्ध किया। मैंने वहां न्यूनता बताई कि मैं 3 दिन विदित तारा में खुद बताऊंगा, मैं खुद अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स माइंड में आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं पत्नी के साथ धोखा कर रहा हूं, क्या परिवार के साथ धोखा, क्या मेरा सन्यास जीवन के साथ धोखा कर रहा हूं, क्या ये वेद व्यास लिखा वो सब गलत है, क्या कृष्ण वास्तव में बहुत कुरूप थे, क्या राधा बिल्कुल भेंगी थी, वह इतनी सौंदर्यवान कैसे बनी, और सौंदर्य नहीं है तो जीवन क्या है, फिर मैं कायाकल्प कर कैसे पाऊंगा,
कैसे अपने आप को वापिस शिष्यों के बीच में एक समाहित कर पाऊंगा? आप जाएंगे, आपके बाद में एक और नए शिष्य आएंगे, फिर उस बाद सन्यासी आएंगे, शिष्य आएंगे, उन सन्यासियों के बीच में उसी सन्यासी की वेग के साथ खड़ा हो पाता हूं। उसके बीच में वही साधना है, और ऐसी साधना केवल होली के अवसर पर। मैंने कहा कि ये दिन आपके लिए इतने अधिक मधुर श्रेष्ठ हैं कि होली का तो समय है ही, मगर दोनों ग्रहण के बीच का समय भी है। कल रात्रि को भी यही साधना की, चार दो घंटे के लिए की, मगर उसी साधना को, उसी मंत्र को वापस कल रात को प्रस्तुत किया मैं करीब 1 बजे से लगाकर 3 बजे तक, क्योंकि उसको वापस पुनरुक्ति करना मेरे लिए आवश्यक था। मैं देख रहा था कि लोगों की आंखों में क्या मेरे प्रति चिंतन बनता जा रहा है। इसलिए इस फाल्गुन मास में, इस समय में, एक दुर्लभ वरदान मैं आपको दे रहा हूं, दुर्लभ वरदान जो आज तक जिंदगी में कहा नहीं दुर्लभ शब्द को, वह वरदान दे रहा हूं कि मैं स्वर्ण प्रभाव साधना आज ही सिद्ध करके आपको दिखा दूंगा कि रात्रि को आपके सामने सिद्ध हो तो मैं गुरु होने का गुरु हूं। और उसी साधना के माध्यम से, जिस साधना को मैंने गंधर्व स्वामी से प्राप्त किया, उसी साधना, उसी मंत्र के माध्यम से मैं उस मंत्र में छुपाऊंगा जो सान्निपन से परंपरा पड़ी, और सान्निपन ने जिस मंत्र से कृष्ण को सौंदर्यवान बनाया, और कृष्ण के द्वारा जिस प्रकार से मंत्र आगे बढ़ता हुआ उन गुरु जी के पास पहुंचा, मेरे पास आया, ठीक वही मंत्र, उसी परंपरा, उसी धागे को लेता हुआ मैं वही मंत्र, वही प्रयोग, वही दीक्षा आज उसके बाद विश्राम करेंगे, और मैं वह दीक्षा प्रदान करूंगा और संगीत सुनेंगे। मैं आपको फिर एक बार आशीर्वाद देता हूं कि आप जीवन में यौवनवान बने, देखें यौवन क्या है, देखें कि जीवन में सब कुछ कैसे प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार नौकरी करने से कुछ नहीं मिल पाएगा, इस पर व्यापार करने से कुछ नहीं मिल पाएगा, बाल नोचने से भी कुछ नहीं मिल पाएगा, वृद्धता ही आ पाएगी, और मैं तुम्हें वृद्ध देखना चाहता भी नहीं है। मैं तुम्हें यौवनवान, उद्दाम, यौवन तरंग के रूप में देखना चाहता हूं, ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसा ही देखना चाहूंगा, और इसीलिए आज का दिन आपके लिए वरदान स्वरूप है मेरी तरफ से, और ये भेंट मेरी तरफ से। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।